नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मालती जोशी की कहानी परिणय। लौटते हुए मेरी आंखों में सीमा का कमनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू के योग्य ना हुई तो साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़के की जिंदगी बर्बाद न होने दूंगी। पता नहीं क्यों मन में एक बात बैठ गई थी कि इतने बड़े लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो लड़की जरूर ऐसी वैसी होगी। पर सीमा को देखा तो देखती रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, घनी केश राशि, सुडौल देह दृष्टि, मीन मेघ निकालने की जरा भी तो गुंजाइश नहीं थी। लगता था जैसे मेरी कल्पना में रची बसी पुत्रवधू ही साक्षात उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूलते हुए मैंने कनखियों से अपने लाडले की ओर देखा। वह दत्तचित होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहीं रहा हो पर नजरें इस समय सड़क पर केंद्रित था। और ठीक भी तो है, एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना किसी नट के खेल से कम थोड़े ही है। घर पहुंचते ही मैं उसे कुरेदना चाहती थी पर उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतार कर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। झुंझलाई सी मैं कुछ देर गुमसुम बैठी रही। फिर मैंने उसके पापा को ही जा पकड़ा। कहिए, लड़की पसंद आई? मुझसे क्या पूछती हो, अपने लड़के से पूछो। आप अपनी तो कहिए। भाई, लड़की तो A1 है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बाकी जब उन्हें रिश्ता जच जाए तब है। अरे वाह, रिश्ता ना जचा होता तो क्या वे 10 बार हमारे दरवाजे पर आते? कोई हम तो लड़की मांगने गए नहीं थे, मैंने तैश में कहा। सो तो ठीक है भाई, पर और वे चुप हो गए। समझ गई कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उबर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं? विस्मित तो मैं भी हुई थी। जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही पाया था और जो था उसका प्रदर्शन करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी। विशाल कोठी, बाहर पंक्तिवत खड़ी 3-3 गाड़ियां जिनके सामने हमारी मॉरिस एकदम छकड़ा लग रहा था। कीमती सूटों में सजे हुए उनके तीनों लड़के, गहनों कपड़ों से लदी तीनों बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वर्दीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर चीज में प्रदर्शन था। हर बात में प्रभावित करने की कोशिश थी। चलने से पहले वह हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफी दूर तक ले गए और फिर सहज भाव से एक खाली प्लॉट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि यह उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभ्रांत इलाकों में एक एक बंगला बनवा दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि देर सवेर सबको अलग होना ही है, लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसलिए प्लॉट यहीं से ले लिया है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मय विमुक्त होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानिनी माँ मुझे बार बार जतला रही थी, देख तेरे बेटे के लिए कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हे लगने लगा था। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे यह शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह पाएगा, वहीं बंगला बनाकर रहना पड़ेगा। कोई जरूरी है? मैंने तुनक कर कहा। क्या उसके घर द्वार नहीं है जो ससुराल में बसने जाएगा? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी? फिर वह प्लॉट पड़ा रहेगा, मैंने लापरवाही से कहा। ना होगा तो एक नर्सिंग होम डाल लेंगे। नर्सिंग होम कम है इंदौर में, बच्चों के लिए तो कोई नहीं है। अपन तो बच्चों का ही बना लेंगे जिसमें अपने स्पेशलाइज किया है।
और बातों ही बातों में मैंने एक 3 मंजिले नर्सिंग होम की रूपरेखा बना डाली। नीचे आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड्स और सबसे ऊपर स्पेशल कमरे, सामने खुली सी बालकनी। पूरा नक्शा मेरे मन में तैयार था। इंजीनियर होती तो कागज पर उतार कर ही दम लेती। अस्तवित नर्सिंग होम के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच ही रही थी कि गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। अपने लाडले से पूछ तो लो पहले, ये बोले, सपने बाद में बुनती रहना। अपने बचपने पर झेपती सी मैं खाना उठाने लगू थी। खाने के समय मैं बराबर उसके चेहरे को देख कर टोह लेती रही, पर उसने जरा भी हवा न लगने दी। आखिरकार मुझसे न रह गया। इनके उठते ही मैंने पूछ लिया, क्यों रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूं? क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा? उनकी मेहमानवाजी का लुत्फ उठाता रहा, उनकी लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा। ममा, सारी चमक तमक देख कर यही लगता रहा कि बेकार MD किया मैंने। बस पापा एक एजेंसी दे देते। बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता। ममा, कहा तो मैंने कि ठीक से उसे देखा ही नहीं। अव्वल वह तो इतनी देर कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। ना तो एक बार भी उसने ऊपर देखा, न मुंह से एक शब्द निकाला। मेरे ख्याल में वह या तो भैंगी है या गूंगी है। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बातें करेगा। लड़कियां क्या ऊंट की तरह मुंह उठाए सामने आती है? तो फिर देखने के लिए बुलाने का क्या तात्पर्य है? उसने जिद की। यह हिंदुस्तान है बेटे, इन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोक झोंक सुन रहे थे। बोले, यह हिंदुस्तान है बेटे, भले घरों की लड़कियां यहां ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूं पापा, 2 साल अमेरिका में रहने से कोई अमेरिकन नहीं हो जाता। पर बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे वहीं पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ सख्त हो आया था। जीतू ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, चुपचाप हाथ धोने चला गया और फिर हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में। शायद इस विषय पर वह अधिक बहस बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। देखने दिखाने की प्रथा से वह हमेशा से चिढ़ा हुआ था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध किया था, पर वधू पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुंह बंद कर दिया था। पर अपने लिए तो इस तरह के नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मम्मा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी मैं तुम्हारे सामने ला कर खड़ी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर उसकी यह बात ही तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण थी। आजकल की लड़कियों का ठिकाना थोड़े ही है, हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है। पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो यह खतरा कुछ ज्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व तो हर कहीं प्रशंसक बटोर लेता है। इसलिए हम लोग बहुत व्यग्र थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी। क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न था। गली में सही पर अपना 2 मंजिला मकान था, पुराना सही पर घर में एक गाड़ी थी, पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के ही कितने थे। खाता पीता घर और डॉक्टरी पास वर, लोगों के मुंह में पानी ना आता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। कह रहा था, पहले तुम देखाओ, पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा। जया के वक्त के कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी ताजे ही थे, इसलिए हम सब साथ ही वहां पहुंचे। रामदास जी ने इतनी आवभगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही डर बना रहा कि लड़की अगर अच्छी ना हुई तो उन लोगों को किस तरह जवाब देंगे। वह बहुत देर बाद बाहर आई। उस समय हम लोग कॉफी पी रहे थे।
अपनी दोनों भाभियों के बीच चलती हुई वह कमरे में आई थी और एक अस्पष्ट सी नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी। अंग्रेजी में एमए लड़की और इतनी सुशील, इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप एकदम स्वाभाविक लग रहा था। तब यह बात मन में उठी ही नहीं कि इस तरह जीतू तो उसे बिल्कुल नहीं देख पाया होगा। वह अभी तो बड़ी शालीन सी मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ लिया। जया की सालगिरह के बहाने भाई बहन को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया थी अपनी ससुराल में, इसलिए उपहार आदि लेकर मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। दो दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श धो पोछ कर चमकाया गया, नई चादर बिछाई गई, सोफे के कुशन बदले गए, पर्दे धुलवाए गए और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजे तक नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लेकर वहां डाल दिया। फिर भी जैसे मन की तृप्ति नहीं हो रही थी। हर कोण से मैं वहां की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग बीच में टोक न देते तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने तक चलता रहता। दोनों बाप बेटे हाथ बांध कर बैठे हुए थे और मेरी परेशानी का मजा ले रहे थे। जब दो तीन बार बॉल पैसेज और कैलेंडर्स बदल चुकी तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है एक बार डिस्पेंटर ही हो जाता तो ठीक रहता। 5 बजने में अभी तो बहुत टाइम है, क्यों? इतना गुस्सा आया मुझे, एक तो खुद करेंगे नहीं और मेरा फूला हुआ चेहरा देख कर ही जीतू मेरे मूड को भांप गया तो बोला, मम्मा क्यों बेकार परेशान हो रही हो? लाख कोशिश करें हम, यह घर कोठी तो बनने से रहा। उसे मत रोक जीतू, अपनी होने वाली बहू को इम्प्रेस करने की योजना है उसकी। एंड यू नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कोठी ना सही, आउटहाउस तो लगेगा ना यह घर। अरे आउटहाउस भी लग जाए तो गनीमत समझो, मैंने तुनक कर कहा। जाने किस दरिद्र जगह में डाल दिया है सारा पैसा, कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। गुस्से में ही सही, मैंने अपने मन की बात कह गई थी। इतना लंबा चौड़ा मकान बनवा तो लिया पर गली की वजह से उसकी सारी शान पर पानी सा फिर जाता था। रामदास जी के आउट हाउस सचमुच इससे अच्छा शो देते थे। उस दिन प्लॉट दिखाने ले गए थे तब उन्होंने दिखाई थी छोटे छोटे घरों की वह लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उनमें रहते थे। खुली जगह में हरियाली के समुद्र के बीच वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह लग रहे थे। जीतू ठीक ही कहता है, बेकार मेहनत करने से क्या फायदा, उस वैभव से तो होर लेना ही असंभव है। ठीक 5 बजे वे लोग आए, छोटी वाली दोनों भाभियां, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा, बहुत भीड़ होती तो वही उस दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन की तरह गहनों से लदी नहीं थी, मेकअप भी बहुत हल्का था, इसलिए उसका सौंदर्य आज आंखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर की हल्के जड़ी के काम वाली शिफॉन उसके रंग के साथ एकाकार हो रही थी और देखने वालों की आंखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी ने तो वही निर्णय सुना दिया, लाड़ी घनी सुंदर छे, हो कदे मारी नजर नहीं लग जाए। वे सभी लगभग समव्यस्त ही थे। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली आई और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दांव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के फूल बांध दिए। छोटी बहू ने 2-1 चीजों की विधि भी पूछी। अच्छा लगा। सीमा जरूर धीरे धीरे चुग सी रही थी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी होने वाली ससुराल में कोई चबर चबर खा सकता है भला? खाने के बाद मैं महिलाओं को घर दिखाने में लग गई। उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की
और सबसे अंत में मैं उन लोगों को किचन में ले गई जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफेद रंग में नहाया हुआ, आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ, अलमारी में झिलमिल करते स्टील के बर्तन, चमकते पीतल के हिंडालियम के डिब्बे, जगमग करती क्रॉकरी, मचान पर एक सी झालर से सजी अचार मुरब्बे की बर्निया, जो भी देखता प्रशंसा करता। इन लोगों ने भी की, पर सीमा यहाँ भी चुप चुप बनी रही। इस बार मैं उतनी तटस्थ नहीं रह सकी, मन में कुछ चुभा जरूर, मुंह खोल कर तारीफ न करती पर प्रशंसा की एक नजर तो डाल लेती। आखिर कल को यह गृहस्थी उसकी भी हो सकती है। उनके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया ना? हाँ, अच्छी है। हाँ, बसरते बोलना जानती हो। क्या मतलब? मतलब यह है मम्मा कि वह जरूर हकलाती होगी, नहीं तो दो घंटों में क्या एक बार भी मुंह नहीं खोलती। आश्चर्य में भरकर मैं उसे देखती ही रह गई। देखो, दो दो बार तो तुम लोग लड़की देख चुके हो, और तो और उसे घर भी बुला चुके हो। अब अगर मना कर दे हम लोग तो क्या सराफत होगी, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे हम, इन्होंने सख्ती से कहा। और अगर वहीं से इनकार आ जाए तब? उस ओर से निश्चिंत रहो, उनके मन में जरा भी शंका होती तो वे लड़की को यहाँ नहीं भेजते। मैं तो सोचता हूँ कि वे तो अपनी ओर से सब तय मानकर ही चल रहे हैं। कैसे? याद नहीं, उस दिन जब हम लोगों को प्लॉट वगैरह दिखाने ले गए थे तब रामदास जी के पुराने पार्टनर की लड़की मिल गई थी, तब उन्होंने जीतू का परिचय देते हुए कहा था, यह तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे हाँ, और मुझे एकदम सारी बातें याद आ गई। उस दिन रामदास जी हमें अपना बगीचा दिखाते हुए दूर तक उस प्लॉट के पास ले गए थे जो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए रख छोड़ा था। हम लोग मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे आउट हाउस की तरफ से एक लड़की साइकिल पर आती दिखाई दी। पास आते ही साइकिल से उतरकर उसने पहले रामदास जी को और फिर हम सबको सलज्ज भाव से प्रणाम किया। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी, वेशभूषा भी साधारण ही थी, पर कोठी के चमक दमक भरे वातावरण के बाद उसका रूप ऐसे लगा जैसे बरसात के बाद धूप निकल आई हो। स्कूल जा रही हो बेटे? जी। माँ ठीक है? जी, रात कुछ बुखार हो आया था, अब तो ठीक है। बस अब तो उन्हें ठीक होना ही है, यह तुम्हारे जीजा जी अमेरिका से डॉक्टरी पढ़कर आए हैं। सो किसके लिए? रामदास जी ने कहा, फिर जूती की ओर देखकर बोले, बेटा जितेंद्र, यह एक ही साली है तुम्हारी, लेकिन 10 के बराबर है, बचकर रहना। उसने कनखियों से जीतू को देखा और शर्मा कर मुस्कुरा दी। फिर धीरे से रामदास जी से बोले, ताऊ जी मैं चलूं अब? हाँ बेटे, 10:30 हो रहे हैं, चलो अब, नहीं तो लेट हो जाओगी। उन्होंने प्यार से पीठ थपथपा कर उसे विदा किया। जाने से पहले उसने एक बार फिर हम सबको नमस्कार किया और साइकिल हाथ में लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ही वह उस पर सवार हुई। उसकी विनम्रता पर मुग्ध हो गई मैं। पूछ ही लिया, कौन है यह, बड़ी प्यारी लड़की है? मेरे दोस्त की बेटी है, हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। कलर्की की बंधी बंधाई आमदनी से तंग आकर दोनों ने साथ ही साथ यह बिजनेस शुरू किया था। तब कल्पना भी न था कि यह इतनी अच्छा चल सकेगा। दुख यही होता है कि जब अच्छे दिन आने को हुए वह चल बसा। अरे क्या डेथ हो गई? हाँ, एक स्कूटर एक्सीडेंट में वह और अनु से बड़ा लड़का दोनों जाते रहे, तब से माँ बेटी यही है। धंधे में जो शेयर था उसके एवज में भाभी ने यह मकान मांग लिया है, उसी में रहती है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। पिछले 2 सालों से बीमार चल रही है, इसलिए उन लोगों ने अब अनु को लगा लिया है। रिश्तेदार तो होंगे या कोई नहीं है? मैंने सहानुभूति से पूछा। है क्यों नहीं, पर बहन जी रिश्ते सब पैसे से बंधे रहते हैं,
शंभुनाथ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी आकर बहू को पोती को लिबा ले गए थे, पर इंश्योरेंस के पैसे को लेकर मनमुटाव हो गया। उनकी इच्छा थी कि वह पैसा शंभू की बहन की शादी में लगा दिया जाए, आखिर भाई होता तो कुछ ना कुछ देता ही। पर अनु की माँ राजी नहीं हुई, बोली, निपट कंगाल होकर मैं किसके सहारे दिन काटूंगी। 8-10 हजार की मामूली रकम थी, पर एक बेसहारा औरत के लिए तो वह संबल थी, सहारा थी। घर वालों से पैसों का तकाजा भी नहीं किया जा सकता था। कल को अनु की शादी में सब लोग अंगूठा दिखा देते तो बस, तब यहीं से यहाँ आ गई तो लौट कर नहीं गई। उन लोगों ने भी कोई सुधी नहीं ली। स्वाभिमानी है ऐसी कि उसके बाद से पीहर में भी पैर नहीं दिया। यहाँ भी हम लोगों के रहते वे नौकरी करे अच्छा नहीं लगता, पर माँ बेटी दोनों बहुत आन वाली है। इसके बाद विषय बदल गया था। रामदास जी अपने व्यवसाय के फैलाव का वर्णन करने लगे थे, इसी कारण वे अपने कुशाग्र बुद्धि बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेज सके थे। वैसे तीनों बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिए हुए थे, एक तो विदेश भी हो आया था। उस आकर्षक बातचीत के बीच अनु दब गई थी। आज इन्होंने एकाएक याद दिला दिया तो मुझे अपने पर ही रोष हो आया। मुझे पहले ही यह ख्याल क्यों ना आया। जीतू, हम लोग गलती कर गए, मैंने एकाएक कहा तो वह आंखों में प्रश्न भरकर मुझे देखने लगा। उस दिन हम लोग इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करके केवल अनु को बुला लेते तो ठीक था। कौन अनु? तुम्हारी इकलौती साली सीमा के साथ वह आती थी, वातावरण जरा खुल जाता। भाई को थोड़ा बहुत लिहाज करना ही पड़ता है, अनु रहती तो सीमा थोड़ी सहज हो जाती। मम्मा, क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं हैं? आखिर आप उसी के लिए इतनी व्यग्र क्यों हैं? मना नहीं कर पाएंगे जीतू हम, पापा को यह रिश्ता बहुत भा गया है। पापा को भा गया है वह प्लॉट और दहेज की संभावित राशि, और लड़की, वह भी तो बुरी नहीं है। अच्छा सच बता, क्या तुझे पसंद नहीं है? उसने उत्तर नहीं दिया, केवल मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सीमा का नाम साफ पढ़ा जा सकता था। उस दिन मैं और जीतू पिक्चर देखने कर लौट रहे थे। वैसे मैटनी में अक्सर चली जाती हूँ, पर बहुत दिनों बाद गाइड देखने का सुयोग बना था। उसका लोक मैं संवरण ना कर सकी। पिक्चर समाप्त हुई और जैसा कि तय था, हॉल से बाहर निकलते ही मेरे सिर में दर्द होने लगा। जीतू गाड़ी रोक तो, रास्ते में एक मेडिकल स्टोर नजर आते ही मैंने कहा, क्यों, दवा लेनी है? घर में दो दो डॉक्टर है पर तुम्हें केमिस्ट के यहाँ गए बिना चैन नहीं आता, उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। घर में डॉक्टर है इसीलिए तो मुसीबत है, कोई अपने मन की दवा ले ही नहीं सकता। इससे रिएक्शन होता है, इससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है और भी ना जाने क्या क्या, गुनगुनाती हुई मैं उतर पड़ी। वह भी पीछे पीछे चला आया, शायद देखना चाहता था कि मैं कौन सी गोलियां ले रही हूँ। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज आई, जीजा जी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाला गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी शोक सी लड़की जीतू से नमस्ते कर रही है। आप? मैंने ठीक से पहचाना नहीं, जीतू ने हकलाते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी भूल गए? श्रीमान जी मैं अनु हूँ, अनु। ओहो, एकदम जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया, अपनी इकलौती साली को इतनी जल्दी भूल गए। फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसे पूरी की होगी? हमने तो सुना था आप बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़ी ही सिखाया जाता है, उस दिन तो आप सफ़ेद सी साड़ी वाड़ी पहनकर बड़ी सोबर सी लग रही थी। उस दिन स्कूल जा रही थी ना, वहाँ तो भाई सोबर बनकर ही जाना पड़ता है, तो पढ़ाती भी हैं। हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है? जीतू भी अब मूड में आ गया था। देश की चिंता मत कीजिए जीजा जी, जो बच्चे आपके इलाज से बच जाएंगे वे ही मेरे स्कूल में आएंगे। मैं काउंटर पर खड़ी खड़ी उस नोक झोंक का मजा ले रही थी। जब बिल चुका कर लौटने लगी तब अनु ने मुझे देखा। नमस्ते आंटी,
उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा और पास आकर खड़ी होगी। कैसी हो बेटे? माँ कैसी है? मैंने औपचारिकता निभाई। माँ का तो आंटी चलता ही रहता है, उन्हीं की दवाइयाँ लेने तो आई हूँ, उसने कंधों पर लटका बैग खोल कर दिखाते हुए कहा। चलो तुम्हें घर छोड़ दें, मैंने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा। ना आंटी, मेरे पास तो अपना लौह रथ है, पर यह बताइए आप लोग घर कब आ रहे हैं? उस दिन ताऊ जी कह रहे थे कि जीजा जी एक दिन माँ को देखने जरूर आएंगे। मैंने जीतू की ओर देखा, वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अनुजी आपके घर हम आएंगे जरूर, पर एक शर्त है। फरमाइए। कुछ देर वह पेशोपेश में चुप रहा, फिर बोला, मम्मा तुम चल कर बैठो, मैं अभी एक मिनट में आया। बच्चे इस तरह लिहाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे शर्त क्या मुझसे छिपी हुई थी? सीमा को भी उसके साथ अनु के यहाँ बुलवाने की बात होगी और क्या। पांच छह दिन बाद एक दोपहर का खाना खाते हुए उसने पूछा, मम्मा शाम का कोई कार्यक्रम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? अनु के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूंगी रे, यूं ही तुम लोगों को असुविधा होगी। हम लोगों से मतलब? मतलब यही कि सीमा भी आएगी वहां ना। नहीं, उसके साथ सुबह इंदौर कॉफी में डोसा खा चुका हूँ, यही तय हुआ था, उसने रुके रुके अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा था। शाम को यूं ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों ने जानबूझकर छोड़ दी थी, हमने स्कूटर ले लिया था जो बाहर बाहर चलता हुआ ठीक उस घर के सामने जाकर रुका था। वह प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी थी, हमें देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। पहले कमरे में ही अनु की माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या रही होगी, पर जीवन संघर्षों और बीमारियों से उस औरत को बुरी तरह थका दिया था। कुछ औपचारिक चर्चाओं के बाद जीतू बोला, मम्मा आप लोग थोड़ी देर गपशप करो, तब तक मैं इन्हें देख लेता हूँ। अनु मुझे भीतर लेवा ले गई। दो ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पार रसोई। उसने बताया कि बाहर के कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता, दरवाजा भी पलंग पर बैठे बैठे खोल लेती है। सुबह शाम कोठी से कोई नौकरानी आकर चौका बर्तन सफाई कर जाती है, पर बाकी समय तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले लगा रखे थे। मैं मूढ़े पर बैठे बैठे उन खूबसूरत फूलों को देखती रही कि कुछ ही क्षणों में जीतू आ गया। हाथ धुलवाएंगी? जीतू ने कहा। वहीं जामुन के थाले में अनु हाथ धुलवाने लगी। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से पूछा। वह चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। अनुजी हमने तो आपका वादा पूरा कर दिया, पर आपकी बात तो अधूरी रह गई, तो इसका हम क्या करें? शर्त तो सिर्फ दीदी को ले आने भर की थी, अब वह बुत बनी बैठी रही तो हम क्या करें? हाँ आप कर ही क्या सकती हैं, एक कप चाय तो पिला सकती हैं ना? ओ श्योर। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। माँ के बारे में पूछते हुए दो आंसू बरबस गालों पर लुढ़क आए थे, वे अब धूप में ओस्कन की तरह चमकने लगे थे। आप थोड़ी देर माँ के पास बैठिए। आंटी मैं चाय लेकर अभी आई। हम दोनों फिर से बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर तक गुमसुम बैठने के बाद जीतू ने कहा, चाची जी यहाँ आस पास आपके कोई रिश्तेदार नहीं है? है क्यों नहीं बेटा, पर अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। चार चार चाचा हैं अनु के, पर पिछले 10 साल से किसी ने एक बार भी इधर का रुख नहीं किया है। अनु के मामा तो होंगे? एक है, और उनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है, फिर परिस्थिति भी साधारण है। उन पर बोझ बनने की अपेक्षा अपनी ही कमाई खाना अच्छा लगा। अब तक तो ईश्वर ने आन निभा दी थी, अब 2 साल से लड़की खट रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही।
आप बीमार चल रही हैं, अनु नौकरी करती है, कोई जिम्मेदार आदमी आपके पास रहे तो ठीक रहता है। मुझे मालूम है बेटे, दिन पर दिन मैं छीजती जा रही हूँ। जिंदगी से मुझे कोई मोह भी नहीं है, पर मुझे इतना जिला लो कि अनु को अपने हाथों विदा कर सकूं। कहते हुए माँ का स्वर कातर हो आया था। आप तो पता नहीं क्या सोच बैठी। उसके पूछने का मतलब यह नहीं था, मैंने ढांढस बधाते हुए कहा, अभी तो आपको जीना है, अनु के बच्चे खिलाना है। शादी तो हो जाए पहले। शादी की चिंता क्यों करती हैं आप, लड़की तो हीरा है, मैंने कहा। उससे क्या होता है बहन जी, कोरी लड़की कौन ब्याहता है आजकल। सच है, भगवान लड़की दे तो तिजोरी भर धन भी दे, नहीं तो व्यर्थ है सब, उन्होंने उश्वास लेकर कहा। उसी समय हाथ में ट्रे लेकर अनु ने प्रवेश किया। माँ ने अपनी रामायण शुरू कर दी ना, उसने नाश्ता लगाते हुए कहा, इसलिए तो यहाँ सब आने से घबराते हैं। आंटी बेचारी पहली बार आई है, उन्हें भी बोर कर दिया तुमने। माँ बेचारी खिसिया कर चुप हो गई। उनका मन रखने के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए था, पर समय पर कुछ सूझी नहीं पड़ा। उधर चाय नाश्ते का दौर शुरू हो गया था। थोड़े समय में लड़की ने काफी कुछ तैयार कर ली थी, पर मुझसे कुछ खाया नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध बसी रहती है। डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई। हम लोग उठने लगे तो अनु की माँ ने अनु से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपये रखे। वह एकदम तमतमा गया, बोला, आप क्या मुझे फीस दे रही हैं, मैं तो घर का आदमी बनकर यहाँ आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अनु की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए गिरगिरा कर कहा, फीस नहीं है बेटे, तुम्हारी फीस देने की सामर्थ्य नहीं है मेरी, इस घर के दामाद हो तुम। अनु और सीमा में मैंने कभी फर्क नहीं किया, तुम घर के बड़े दामाद पहली बार घर आए हो, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाहिए तो था कि हम बहन जी का भी कुछ सत्कार करते, पर उतनी सामर्थ्य कहाँ है, बस हाथ भर जोड़ लेते हैं। इतना कहते हुए भी वे हाँफ गई थी। शगुन के रुपये है, ले लो बेटा, मैंने जीतू की जेब में जबरदस्ती वे नोट ठूसते हुए कहा। मैंने देखा अनु की माँ की आंखें तरल हो आई है। जीतू ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर वह गुमसुम हो आया था। सड़क तक हमें छोड़ने आई अनु ने भी इसे लक्ष्य किया, बोली, जीजा जी प्लीज, माँ की बातों का बुरा ना मानिएगा, कभी कभी वह बेहद भावुक हो जाती है, उनकी तबीयत को देखकर हर बात मान लेती हूँ मैं, आप भी। नहीं अनु, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना, जीतू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। माँ लोगों की बातों का कोई बुरा मानता है भला? अनु तो आश्वस्त होकर लौट गई, पर जीतू सारे रास्ते वैसा ही चुप चुप रहा। मैंने समझाया भी, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है, कल को तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी, पर आज अगर रुपये लौटा दिए जाते तो दोनों माँ बेटी यही समझती कि उनकी परिस्थिति का मखौल उड़ाया जा रहा है। पर वह उसी तरह गंभीर बना रहा। रात अचानक मेरे मन में एक बात कौन थी और मुझे उसके उखड़े मूड का कारण समझ में आ गया। बत्ती बुझाकर सो चुके थे हम लोग, फिर भी मैं धीरे से उठाई और जीतू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला ही था और वह रोज की तरह बेड लैंप जलाए पड़ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ गया था और बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके स्वर में घबराहट थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है रे, पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए मैंने कहा, पर मुझे एक बात बता, क्या सचमुच सीमा ने आज तुझसे बात नहीं की? की क्यों नहीं, कम से कम इतना तो साबित हो ही गया कि वह गूंगी नहीं है और हकलाती भी नहीं। मजाक रहने दे,
मुझे ठीक से बता, अगर सचमुच उसका व्यवहार ऐसा ही रूखा है तो इनसे कल ही कह दूंगी, ऐसी घमंडिन लड़की मेरे घर में नहीं चलेगी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही मुंह लटका कर बैठा रहा। और इस जरा सी बात के लिए तू क्यों मन खराब कर रहा है? दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं है? मम्मा, अगर मैं उदास हूं तो सीमा के लिए नहीं, सारी शाम मैं सिर्फ अनु की माँ के लिए सोचता रहा हूँ। क्यों? उनकी हालत बहुत खराब है मम्मा, हार्ट एकदम डैमेज्ड है, किसी भी समय कुछ भी हो, पैरालिसिस का एक अटैक उन्हें हो चुका है, दूसरा किसी समय हो सकता है और वह इतना आसान नहीं होगा। पैरालिसिस? पर उनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। उम्र से क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो है, डायबिटीज तो है, शुगर का परसेंटेज कितना हाई जा रहा है, उनका चार्ट देखती तो तुम्हें गश आ जाता। कोई जिम्मेदार आदमी घर में होता तो मैं स्थिति की गंभीरता से उसे परिचित कराता, पर ले देकर बस वही एक लड़की है घर में, उससे क्या कोई कहे, कैसे कहे? सच ही तो कह रहा था वह। जया सगाई से 4-5 दिन पहले ही आ गई थी। आते ही वह शुरू हो गई, मम्मा लड़की खूब सुंदर है ना, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी, अब जैसी भी है देख लेना, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं मम्मा, ऐसा गजब ना करना, अपने यहाँ इतने रिश्ते मैं लौटा चुकी हूँ, सबसे कह रखा है एक ही बहू आएगी घर में तो वह ऐसी वैसी नहीं चलेगी, अब जो वह सुंदर लड़की ना हुई तो लोग मेरा मजाक बना डालेंगे। मेरी जेठानी तो अभी से कह रही है कि देखे कौन सी अप्सरा आएगी, उनकी भतीजी के लिए मना करके मैंने उन्हें खूब नाराज कर दिया था ना। यहाँ भी तो वही हाल है, मैंने कहा, लोग बाग अपनी लड़की देखते नहीं और मुंह उठाए चले आते हैं, और मना कर दो तो हमेशा के लिए मुंह फुला लेंगे। जब से बात पक्की हुई है बस यही चर्चा है कि हमने बस पैसे का मुंह देख कर ही हाँ की है, अब तो बस यही लगता है कि कब शादी हो, कब बहू घर में आए, एक बार उसे देख लेंगे तो अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मेरी बात से जया की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई, मैंने भी उसे ज्यादा प्रतीक्षा कराना उचित नहीं समझा। दूसरे ही दिन सीमा को बुलवा भेजा, सगाई की साड़ी खरीदने का बहाना था, वैसे ही अब तक जया के लिए रुकी हुई थी, सोचा लड़कियों की पसंद से ही खरीदना ठीक रहेगा, रोज रोज कोई इतनी महंगी साड़ी तो खरीदता नहीं। रामदास जी स्वयं बेटी को लेकर उपस्थित हुए, हाथ जोर कर बोले, आपका आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसलिए ले आया हूँ, वैसे उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आप जो भी पहनाएंगी पहन लेगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि खरीदारी का तो बहाना है, दरअसल जया उसे देखना चाहती थी। मेरी बात से उनका सारा संकोच दूर हो गया, बार बार यह कहकर कि लड़की अब आपकी है, जब चाहे बुलवा लीजिएगा, वह वापस लौट गए। मैं जानबूझकर उन लोगों के साथ बाजार नहीं गई, सीमा के साथ अनु आई थी, मैंने जया के साथ जीतू को कर दिया, सोचा सब बराबर उम्र वाले साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा, मेरी वजह से बेचारी यूं ही संकोच में पड़ जाएंगे। अनु और जीतू की नोक झोंक तो रामदास जी के जाते ही शुरू हो गई थी। बोली, जीजा जी आज तो ताऊ जी का लिहाज करके चली आई, पर यह मत मानिएगा कि हर बार इसी तरह दीदी के साथ घिसती चली आऊँगी, भविष्य में बाकायदा निमंत्रण भेजना पड़ेगा, आखिर हमारी भी कोई प्रेस्टीज है। क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी प्रेस्टीज का तो हमें ख्याल सबसे पहले रखना है, हमारी वकील तो आप ही हैं, जीतू ने कृत्रिम गंभीरता से कहा और डायरी निकालते हुए बोला, लाइए जरा अपना पता तो लिखवाइए। मैं तो अनु के आगे कुछ भी नहीं जानता, अनुराधा, अनुपमा या कि पौराणिक अनुसुईया, गलत लगता है, नामों के बारे में आपका ज्ञान बहुत सीमित है। श्रीमान जी मेरा नाम अनुप्रीता है। ओह व्हाट ए लवली नेम, बस हाय जीजा जी आप कवि ना हुए, नहीं तो कहते वाह जैसी आप हैं वैसा ही सुंदर आपका नाम है। मुझे दुख है अनुजी,
कि मैं डॉक्टर हूँ, सच बात कहता हूँ जो अक्सर कड़वी होती है। कहिए तो, कहना चाह रहा था कि काश आप भी उतनी सुंदर होती जैसा आपका नाम है। हाँ ठीक तो है, अब तो आपकी नजरों में एक ही व्यक्ति सुंदर रह गया है, कहते हुए उसने होंठ भींच लिए, पलकों के किनारे भीग गए। मैंने जीतू को डांट कर चुप कराया तो बोला, बस इतने में ही रो दी? और आपके ताऊ जी कह रहे थे कि एक ही साली है पर 10 के बराबर है। हमने तो सिर्फ वानगी पेश की थी आप और आपके छक्के छूट गए। उनकी इस जुगलबंदी का हम सभी मजा ले रहे थे। जीतू की आखिरी बात पर तो सब लोग ठठा कर हंस पड़े। अनु भी बहादुरी के साथ मुस्कुरा दी। इसी हंसी खुशी के वातावरण में सब लोग घर से विदा हुए और उन लोगों के चले जाने के बाद मुझे याद आया कि सारे शोर शराबे के बीच सीमा एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। बोलना तो दूर, वह एक बार मुस्कुराई तक नहीं। शर्मीली बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, पर उनके अधमुंदे ओठों से, नत पलकों से हंसी की किरणें निरंतर फूटती रहती हैं। सीमा शर्मीली नहीं, घुन्नी लड़की है। जीतू जैसे हंसमुख लड़के के साथ उसका निवाह कैसे हो सकेगा? या उसे भी अपनी तरह मनहूस बनाकर रख देगी? जब से यह शादी तय हुई है मैं इसी चिंता में घुली जाती हूँ। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। एक बार मुंह खोलने का प्रयास किया था तो बुरी तरह डांट खानी पड़ी थी। बोले, तुम तो जीतू को अभी दूध मुहा बच्चा ही समझती हो, वह तुम्हारे सामने नाटक करता है और बाहर उसे हो लेकर होटलों में घुमा करता है। होटल में सिर्फ एक बार गया था जी, तभी तो। एक बार या 100 बार उसे क्या फर्क पड़ता है? अपने लाडले को समझा दो, यह हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं। यहाँ की लड़कियां ऐरे गैरों के साथ होटलों में नहीं जाया करती। और फिर बात दब गई थी। पर जितनी बार सीमा को देखा है यही लगा है कि इस लड़की से मेरा या जीतू का निर्वाह कैसे होगा। कोई और लड़की होती तो इतने दिनों में घर से एक आत्मिक संबंध स्थापित कर लेती, पर यह आज भी उतनी ही पराई लगती है। बाजार से लौटी जया तो भरी हुई थी, साड़ी का डिब्बा मेरे सामने पटक कर बोली, लो देख लो, पूरे 700 की साड़ी है, पर महारानी ऐसे मुंह बनाती थी जैसे उनके लिए छीट खरीद हो। मैंने डिब्बा खोलकर देखा, रानी कलर की बनारसी रेशम जरी की बूटियों से झिलमिल कर रही थी। उसे पसंद नहीं आई? मैंने अधीर होकर पूछा। अरे मुंह खोल कर कहे तब ना, मूर्ति की तरह कोने में बैठी रही, हाथ लगाना तो दूर, एक बार आंख उठा कर नहीं देखा। वह तो वह सिलबिल थी साथ में तो ठीक रहा, उसी की मदद से चुनाव कर डाला। मेरा मन एकदम बुझ गया। माना कि बड़े घर की लड़की है, बनारसी साड़ी उसके लिए अनोखी चीज नहीं है, पर सगाई की साड़ी के साथ तो एक भावनात्मक संबंध होता है। मुंह से कुछ न कहे कोई तो आंखों से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कम से कम जया का मन तो रह जाता। वह तो इतनी आहत होकर लौटी है कि बहू की रूप चर्चा उसके सामने व्यर्थ ही है। मुझे तो यही डर लगता है रे, मैंने कहा, अजीब घुन्नी लड़की है, जीतू के साथ पता नहीं कैसे निभेगी। घुन्नी नहीं है मम्मा, घमंडी है, घमंडी। तुम तो अब अपनी चिंता करो, जीतू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी तो खूब घुट रही है। अभी आते आते भी उसने एक चिट्ठी चुपके से पकड़ाई है, मैंने साफ देखा है। जया की बात ने सचमुच चौंका दिया मुझे। सोचा, ये ठीक कहते हैं, जीतू यूं ही मेरे सामने नाटक करता होगा, मैं भी तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हूँ। सीमा ने क्या बात की, कैसे की, बेचारा जवाब दे भी तो क्या। कुछ भी हो, मन से एक बोझ तो उतर ही गया। सारी तैयारी करते कराते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन ये लोग ओली डालते जा रहे थे। इतने बड़े घर में संबंध होने जा रहा था, पहली बार हम लोग कुछ लेकर जा रहे थे, पर जैसे सारी चिंता मेरे ही सिर थी और कोई मेरा हाथ बटाने नहीं आ रहा था। जीतू का तो खैर प्रश्न ही नहीं था, जया मुंह फुलाकर बैठ गई थी, उसे सीमा जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। कल जीतू ने
चिढ़ा दिया था कि सीमा के आ जाने से दीदी का सौंदर्य तेज थोड़ा फीका पड़ जाएगा, इसी से वह नाराज है। बात हंसी मजाक में ही टल जानी थी, पर जया बहुत बुरा मान गई थी। उसकी ओर से किसी सहायता की आशा करना ही व्यर्थ था। सबसे ज़्यादा रोष तो मुझे उसके पापा पर आ रहा था। एक बार भी उन्होंने सारा सामान नहीं देखा, न पूछताछ की। मैं बिस्तर पर गई तो वे बड़े मज़े से खर्राटे भर रहे थे। इतना ताव आया मुझे, उन्हें झकझोर कर जगाया मैंने और पूछा, सुनो सुबह जमाई साहब को लेने स्टेशन कौन जा रहा है? ठीक से तय कर लो, नहीं तो समय पर कोई नहीं पहुँचेगा। कोई नहीं जा रहा, उन्होंने अलसाए स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि वे नहीं आ रहे। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही उन्हें फोन पर मना किया है। अरे क्यों? क्योंकि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्यों? रामदास जी को हार्ट अटैक हो गया है। हाय राम। क्यों? क्योंकि उनकी लड़की अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। क्यों? वह एकदम झल्ला कर उठ बैठे। तुम्हारी इस क्यों का कहीं अंत भी होगा? लड़कियां किसी के साथ क्यों भाग जाती है, क्या यह भी मुझे बताना होगा? खिसिया कर चुप हो गई मैं। सच तो पागलों की तरह प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हूं। कम से कम इनकी मना स्थिति का तो ख्याल किया होता। शाम से अनमने हैं बेचारे, पर मुझे अपनी व्यस्तता के बीच ध्यान ही ना आया। इस कांड की तो मैंने कल्पना भी ना की थी। मन इतना बौखला गया था कि अनचाहे मुंह से निकल गया, अब क्या, मिठाई बांटो? वह गुर्राए, तुम दोनों माँ बेटे तो शुरू से ही मीन मेक निकाल रहे थे ना, अब तुम्हारी मन की हो गई। घर आई लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट गई। खूब आनंद मनाओ, खूब आनंद मनाओ। अब छोब उनके हर शब्द से टपका पर रहा था। रामदास जी के घर समधी बनकर जाने का सबसे ज्यादा चाव उन्हीं को था, इसलिए सबसे ज्यादा निराशा भी उन्हें ही झेलनी पड़ी। इसके बाद चुप रहने से ही मैंने अपनी खैरियत समझी, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार सीमा का रूखा व्यवहार याद आता रहा। उसे हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो यह स्वाभाविक ही था, पर घर के लोग कैसे हैं, क्या उन्हें भी अंदाजा ना हुआ होगा? लेकिन लगता है वे लोग सब जान गए थे, तभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। जिस दिन से रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने हमें सांस नहीं लेने दी थी, पर या तो ईश्वर की कृपा थी तो समय रहते सारा रहस्य खुल गया। मुझे कमरे में आते हुए उसने दर्पण में देख लिया था, वहीं से बोला, तुम परेशान क्यों हो रही हो मम्मा? मैं अभी शेव बनाकर वहीं आ तो रहा था। मैं तो यूं ही चली आई रे। चाय की ट्रे गोल मेज पर रखते हुए मैंने कहा, सोचा साथ साथ चाय भी पी लेंगे और एक बात भी कहनी थी। समथिंग इम्पोर्टेंट? उसने अपना काम जारी रखते हुए पूछा। हाँ ऐसा ही समझ लो, वह जो सीमा है ना, वह इस बुरी तरह से चौंका कि रेजर हाथ से फिसल ही गया। गीले तौलिए से गाल को सहलाते हुए वह मेरे सामने आकर बैठ गया और अधीर स्वर में बोला, सीमा का क्या कह रही थी तुम? क्या कहा है उसने? वह अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है, मैंने सपाट स्वर में आखिर कह ही डाला। ओह मम्मा, उसने एक दीर्घ सांस छोड़ी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उतनी सी देर में मैं पता नहीं क्या क्या सोच गया था। क्या सोच गया था? मैंने हैरत से पूछा। दरअसल मम्मा मैं एक पागलपन कर बैठा था, उसने खिसियाए स्वर में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, वह उठा और दराज में से एक कागज का पुर्जा निकाल लाया और बोला, लो पढ़ो। पढ़ने को था ही क्या, बस दो पंक्तियां ही थी। अगर आप शादी से इनकार नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कुछ खा लेना पड़ेगा। कब मिली यह चिट्ठी तुझे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। उसी दिन जब हम लोग साड़ी खरीदने गए थे। तो पगले मुझे बताया क्यों नहीं, कैसा सर्वनाश हो जाता अभी? एक जिद सी सवार हो गई थी मम्मा,
मैं भी जया की तरह सोचने लगा था। लगता था यह लड़की हमें बहुत छोटा करके देखती है, इसके दर्प को तोड़ना होगा, इसे ब्याह कर घर लाना ही है, भले ही दूसरे दिन उसे छोड़ आना पड़े। उसकी बेरुखी का और भी कोई कारण हो सकता है, इस ओर ध्यान ही नहीं गया। और अगर वह सचमुच कुछ खा लेती तो, मैंने कप में चाय डालते हुए पूछा। इसलिए तो तुमने जब एकाएक उसका नाम लिया तो मैं डर गया। मुझे तो हैरत होती है मम्मा, पढ़ी लिखी होकर भी ये लड़कियाँ इतनी बुजदिल कैसे होती है? अपने मन की बात मुँह खोल कर कहती क्यों नहीं, बस गूंगी गाय की तरह हर किसी खूटे से चुपचाप बंध जाती है। अब तो उसने अपने तेवर दिखला दिए ना, मैंने करवटा भरे स्वर में कहा। हाँ, यह तो मानना पड़ेगा, उसने काफी दिलेरी से काम लिया। पता मालूम हो तो मेरी ओर से बधाई का तार भेज देना, मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वह काफी समझदारी से पेश आई, शादी की रात तक इंतजार नहीं किया, नहीं तो अपनी जिंदगी में भी फिल्म स्टोरी बना जाती। वह उठकर पुनः आईने के सामने खड़ा हो गया था। मैं उसे गौर से देखती रही, पर साबुन के झाग से भरे उस चेहरे पर कुछ भी पढ़ना असंभव था। ईश्वर से यही मनाती रही कि हताशा का यह ज्वार जो मुझे मथ रहा है उसे अछूता ही छोड़ दे, वह वास्तव में उतना ही निर्लिप्त बना रहे जितना कि वह दिखा रहा है। सीमा के अपने घर में जो भी कहर बरपा हुआ हो, पर इस घर की भी रौनक कुछ दिनों के लिए छिन सी गई थी। बच्चों के पापा का मूड तो उसी दिन ऑफ हो गया था, मेरा मन भी बुझ गया था। जया भी इतने दिनों बाद इंदौर आई थी, पर सहेलियों से मिलने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का उसमें जरा भी उत्साह नहीं रह गया था। जहाँ भी जाओ वही प्रश्न, वही कौतूहल, वही शंकाएँ खींच सी होने लगती थी। हम सब के बीच जीतू बिल्कुल सरल स्वाभाविक बना हुआ था, पर माँ थी इसलिए जानती थी कि वह भीतर ही भीतर हिल गया है, उसके ठहाके बेजान होते जा रहे हैं। दीदी के साथ उसकी नोक झोंक में कोई दम नहीं दिख रहा, जया के बच्चों के साथ चल रही उनकी छरखानी भी मात्र एक दिखावा है। और फिर जया ने एकदम घर लौटने का फैसला कर लिया, उसे रोकने में कोई तुक भी नहीं था। भारी मन से मैंने विदा की तैयारियां शुरू कर दी। कैसे उत्साह से आई थी बेचारी, और अब कैसी मन स्थिति में लौट रही है। पर लड़की बहुत समझदार है, बोली, मम्मा हम तो सबको यही बताएंगे कि लड़की के पिता अचानक बीमार हो गए थे, इसी से काम रुक गया है, आप लोग अपने से कुछ लिखना नहीं। उसकी सूझबूझ देखकर दंग रह गई मैं। सच, लड़कियों को मैके की प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रहता है। कुलियों के सिर पर सामान लदवाकर हमने प्लेटफॉर्म पर पैर दिया ही था कि आवाज़ आई, नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, मैंने चौंक कर देखा, यूनिफॉर्म की साड़ी पहने बच्चों के एक झुंड से घिरी अनु खड़ी है। आज जा रही है दीदी, उसने पूछा, पर उत्तर की कौन कहे, दोनों भाई बहनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे मुंह उठाए थ्री व्हीलर तक चले गए। बेचारी का इतना सा मुंह निकल आया, मुझे दया हो आई, वैसे भी पीछे ही घिसट रही थी मैं। पास जाकर पूछा, कैसी हो अनु, माँ ठीक है? माँ ठीक नहीं है आंटी, परसों से बुखार में पड़ी है, उसने उदास स्वर में कहा। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती, रोज रोज छुट्टी कौन देता है आंटी, फिर तो यह तो जनवरी का महीना है, रोज ही बच्चों को लेकर किसी न किसी स्कूल में जाना पड़ता है, प्रतियोगिताएं जो चल रही है आज भी वही जा रही हूँ, घर पर मारी को बिठा कर आई हूँ। ट्रेन ने शायद सिग्नल दे दिया था, प्लेटफॉर्म पर गहमा गहमी एकदम बढ़ गई, उसी शोर शराबे में अनु की आवाज भी खो गई और अनु भी। जया को ढूंढते हुए मैं भीड़ को चीरती चल पड़ी। लौटते समय मैंने जीतू से पूछा, अनु से बात क्यों नहीं की तूने, उस बेचारी का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो मम्मा, सजा तो सभी को भुगतनी पड़ती है, उसके स्वर से चौंक कर मैंने देखा। व्यथा से या कि रोष से उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने ठीक ही समझा था, लड़का भीतर ही भीतर हिल गया था। और फिर एक बार रिश्तों की बाढ़ सी आ गई, खबर फैलते देर ही कितनी लगती है। फिर शुरू हो गई बरसात,
फोटो और जन्म कुंडलियों की। सुबह शाम दरवाजे पर परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़ जुटने लगी। बढ़ चढ़ कर दहेज के आकर्षक प्रस्ताव सामने आने लगे। एक समय था जब इन सारी बातों से मुझे बड़ी खुशी होती थी। लड़के की माँ होने का गौरव जैसे मन में समाता नहीं था, पर अब तो जैसे कोप्त सी होने लगी है। लगता है जैसे मेरा लड़का नीलाम पर चढ़ रहा है, जिसकी बोली सबसे ऊंची लगेगी उसी को मिलेगा। लाख बार समझाया कि अभी हम लोग कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं है, हमें कुछ संभलने का मौका दीजिए, पर लोग इसे भी वर पक्ष की एक अदा ही समझते हैं। फिर से मनुहार शुरू हो जाती। हम लोग तो जैसे तैसे मान भी जाते, पर जीतू को लड़की दिखाने ले जाना एक टेढ़ी खीर थी। जनता के पास इस समस्या का भी हल था। लोग किसी न किसी बहाने लड़कियों को लेकर घर आने लगे। बाजार में, मंदिर में या सिनेमा हॉल में योजनाबद्ध तरीकों से लड़कियों का प्रदर्शन शुरू हो गया। जीतू तो एकदम बौखला गया। बोला, मम्मा तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना दोगे। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जिस दिन कोई लड़की मन को मिल जाएगी, मैं तुम्हारे सामने ला कर खड़ी कर दूंगा। बस अब लड़कियां क्या सड़कों पर पड़ी मिल जाती है, पर उससे उलझे कौन। गोमती भाभी के चाची जी का एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आए थे। अच्छा खानदान था, खाते पीते लोग थे, लड़की सुंदर थी और डॉक्टर थी। जीतू मेडिको पत्नी के पक्ष में कभी भी नहीं था, पर लड़की के पिता ने कहा, डिग्री ले ली है, आप चाहेंगे तो नौकरी करेगी, नहीं तो घर गृहस्थी में भी उसे बहुत रुचि है। जितेंद्र जी चाहेंगे तो घर पर ही छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल लेगी, वैसे उसका कोई आग्रह नहीं है, आप लोग जैसा चाहेंगे। मैंने भी सोचा ठीक तो है, कल को जीतू की प्रैक्टिस अच्छी चल निकली तो डॉक्टर पत्नी वरदान ही सिद्ध होगी। हुनर तो तिजोरी में रखे धन की तरह होता है, जब चाहा काम में ले लिया। उस दिन वह यशवंत राव अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी। तय हुआ कि उससे वहीं चलकर देखा जाए। जीतू से तो साफ साफ कहना व्यर्थ ही था। मैंने बहाना बनाया, छठी मंजिल पर अमुक चाची बीमार पड़ी है, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तू साथ चलेगा तो थोड़ी लिफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। वह मना नहीं कर सकेगा, जानती थी। अस्पताल के विशाल पोर्ट में स्कूटर टिकाया ही था कि देखा सीढ़ियों पर एक परिचित आकृति हथेलियों में चेहरा छिपाए खिसक रही है। अनु, क्या हुआ? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर हमारी ओर देखा और पास चली आई। बोली, जीजा जी माँ बहुत बीमार है। उस दिन स्टेशन पर जीजा जी कहते हुए उसकी जवान लड़खड़ा गई थी, पर आज उसे इसका होश नहीं रहा। उसकी माँ सचमुच बीमार थी। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, परसों से यहाँ ले आए हैं, तब से उन्होंने एक बार भी आंख नहीं खोली है। कौन से नंबर में है, चलो देखते हैं। यही इंटेंसिव में है, पर वहाँ किसी को भीतर जाने थोड़े ही दे रहे हैं। ताई जी, भाई साहब, मामा जी सब बाहरी बेंचों पर बैठे हैं, मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता, रुलाई सी छूटने लगती है। जीजा जी आप तो डॉक्टर है, आपको तो जाने देंगे ना? उसने अधीरता से पूछा। मामा जी आए हैं? जीतू ने पूछा। हाँ कल शाम ही आए हैं, उन्हें तार दे दिया था ना। अच्छा अनु, तुम अंदर चलो, मैं डॉक्टर परिहार को लेकर अभी आ रहा हूँ, जीतू ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। एक बार हम लोगों की ओर करुण दृष्टि से देखते हुए अनु भारी कदमों से भीतर चली गई। उसके जाते ही जीतू मेरे सामने तन कर खड़ा गया और पास से गुजरती बेतहाशा भीड़ को अनदेखा करके बोला, मम्मा क्या तुम इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर सकोगी? मैं हतप्रभ हो उसे देखती रह गई। यह मत सोचना मम्मा कि मैं भावावेश में आकर इतनी बड़ी बात कह बैठा हूँ। पिछले कई दिनों से यह बात मेरे मन में घुमर रही है, पर मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पर अब तो सोच विचार के लिए समय ही न रहा। बोलो ना मम्मा प्लीज। पर बेटे ये बात हड़बड़ी में तय नहीं की जाती। मैंने कहना चाहा तो फौरन मेरी बात काट कर बोला, कहा ना मैंने,
अब सोच विचार के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे मालूम है अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए तुम्हारे मन में ढेर सारे अरमान हैं, पर मम्मा भीतर जो दम तोड़ रही है वह भी एक माँ है। उसने भी अपनी इकलौती बेटी के लिए कई सपने संजोए होंगे। उन सपनों के लिए वह जिंदगी भर अपनों से, परिस्थितियों से लोहा लेती रही। अब तो शायद वह कुछ भी कहने सुनने के परे चली गई है, पर अगर एक क्षण को भी उनकी चेतना लौट आए तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। पर मम्मा, इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए, दोगी ना? उसकी बात पूरी ना हो पाई थी ये अनु बदहवास सी दौड़ती आई और बोली, जीजा जी जल्दी चलिए ना, प्लीज़ माँ को देखिए, वे लोग क्या कह रहे हैं। पल भर को हम दोनों जैसे काट हो गए। मैंने ही किसी तरह अपने को कसे समेटा और कहा, जीतू तुम अंदर जाकर देखो, अनु की चिंता मत करो, वह मेरे पास है, हमेशा रहेगी। और मैं सुबकती हुई अनु को मैंने अपने अंक में भर लिया। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी की कहानी परिणय। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।